हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाय, मैं रोहिणी। चलिए आज बनाते हैं मिनी समोसा। चलिए आज बनाते हैं मिनी समोसा, बहुत ही टेस्टी, एकदम बिल्कुल खस्ते वाली। इसे आप मिनी समोसा से चाट भी बना सकते हैं। मैं इसे फिलहाल अभी समोसा बनाऊंगी, आगे सिंपल सा दही की चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद हो आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल खस्ता करारी, आप देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता ये मिनी समोसा बना। चलिए रेसिपी की ओर चलते हैं। मैंने एक परात लिया है जिसमें मैं ले रही हूँ मैदा, 1 कप मैदा और 1 कप आटा, दोनों को मिला ली हूँ मैं। नमक स्वाद अनुसार से डाल रही हूँ और थोड़ा सा मोयन के लिए तेल। अब अजवाइन ले रही हूँ मैं, अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अजवाइन ज़रूर डालिएगा और हाजमे के लिए भी ठीक है, डाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑयली चीज़ें तो इसमें अजवाइन डालें तो काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, देख सकते हैं अच्छे से मोयन को जैसे ऐसे बंधने लगे, इतना आपको करना है कि ऐसा बंधने लगे, अच्छा खस्ता बने बने। अब मैं इसे गूंथ ले रही हूँ पानी डाल के, नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छा से एक डो बनाएंगे। बहुत सख्त भी नहीं, बहुत नरम भी नहीं, रोटी की डो की तरह इसे अच्छा से गूंथ लेंगे। मैं पहले भी आटे से बने हुए समोसे की रेसिपी भी शेयर की हूँ। अभी आटा और मैदा दोनों मिक्स वाला मैं बता रही हूँ, अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं मथेंगे, हल्का सा, क्योंकि इसे मैदा भी है तो एक सार करके इसे एक बार ऐसे गूंथ के इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। एक तरफ चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसे मैंने कढ़ाई लिया है, तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम लोग डालेंगे राई और ज़ीरा। जैसे ये तड़कने लगे तो मैं एक प्याज और हरी मिर्च डाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनाएंगे, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है, करूँगी मैं सिंपल मसाला बना रही हूँ। हरी मिर्च और प्याज को फ्राई करके, आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है, बॉईल करके मैं आलू को रख ली हूँ, ठंडा भी कर ली हूँ आलू को। और जैसे ही ये प्याज और मिर्च लाल होगा इसमें हम लोग बॉयल आलू को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी मैंने यूज़ नहीं किया, वैसे सिंपल तरीके का मसाला बना के आप समोसा खाइए, बना के बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस इसी में स्वाद अनुसार से नमक डाल दे रही है आलू के लिए और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे अच्छा सा फ्राई करना है, मैंने इसमें हल्दी भी यूज़ नहीं किया है। अब मैंने एक दरदरा कूटा हुआ धनिया पाउडर डाला है। कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, कसूरी मेथी ऐड की हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। ना मैंने इसमें मूँगफली यूज़ किया, ना हल्दी, ना मिर्ची पाउडर, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगेगा इसे आप फिलिंग में भरेंगे तो। अब इसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद तब इसे इसका समोसा में हम लोग इसे भरेंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, जितना भी इसको तोड़ ली हूँ मैं, जितना बड़े बड़े पीसेस थे सबको अच्छे से मैश कर ली हूँ। अब देखिए आधा घंटा हो गया आटा को रेस्ट किए हुए, इसे मैं हल्का सा मथ ले रही हूँ। अब इसकी लोई काटेंगे, मैं सरफेस को अच्छे से साफ़ करके पहले से रख ली हूँ, सरफेस में इसे बेलेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा बड़ी रोटी बनाना है। इसे मैं अच्छा से थोड़ा बड़ा सा बर्तन लगाते हुए इसे मैं बेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसे बर्तन, तो तेल ख़राब कर देगा। अब इसे मैं देखिए कट लगा रही हूँ बीच से, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे ये समोसा, मिनी समोसा ऐसे ही बनाएंगे। और देखिए सबके आलू के बॉयल, जिसको मैं छोटा छोटा बॉल बना दी थी, उसे भी इसमें बीच में स्टफिंग भर ले रहे हैं। इस तरीके से बनाएंगे ये मिनी समोसा को। अब देखिए मैंने एक कटोरी में मैदा को घोल के रखा था, मैदा घोला हुआ मैदा उसे साइड साइड लगा रही हूँ ताकि वो चिपक जाए, चिपकने के लिए ही लगा रहे हैं ऐसे। बिल्कुल आप ऐसे मत करिएगा इसको, अगर बिना ऐसे लगाएंगे तो ये खुल सकता है तेल में जाने के बाद, इसलिए आप इसे मैदा का जो स्लरी बोलते हैं उसे बना के आप लगाइए। अब देखिए मैं कैसे पकड़ रही हूँ,
दो तरफ से ऐसे बांध के ऐसे पकाओ। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समोसा की रेसिपी बिल्कुल, अब इस तरह से बहुत इजी से अगर आपसे नहीं बनता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं समोसा का। देखिए शेप भी आ गया है, अभी सभी को मैं ऐसे ही कर दूँगी। देखिए मैदा का स्लरी लगा रही हूँ साइड साइड में और दोनों छोर को पकड़ के दबा देंगे। देखिए चिपका लिए दोनों छोर को पकड़ के, अब उससे जो ए आगे वाला उसको ऐसे दबा देंगे तो बस ये समोसा का अच्छा से एक शेप बन गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत शेप बना, छोटे छोटे और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे, सिंपल टेस्टी। आप इसके साथ चाट भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं इसे चाय के साथ में। देखिए सबको मैं ऐसे ही, अब दूसरा वाला मैं लेयर को भी ऐसे बेल लूँगी, अब इसको भी कट कर लेंगे जैसे पहले कट कर रहे थे। एक मैं ऐसे ही छोटा सा रोल जैसा बना रही थी, थोड़ा सा शेप चेंज कर रही थी, और सभी को मैं ऐसे ही कर लूँगी। बस एक छोटा सा लोई ले रही जिससे मैं एक बड़ा सा समोसा बना के दिखा रही हूँ। जैसे ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसे बेलना है, गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा लंबा सा बेलेंगे। अब देखिए स्लरी लगा ली हूँ, दोनों तरफ से चिपका दे रहे हैं। ये जो हम लोग समोसा मार्केट से ख़रीदते हैं, जो बड़ा समोसा बनाते हैं उसका उसका मैं फिल करना बता रही हूँ। इसको ऐसे ही चिपका देते हैं। तेल भी एक साइड में गरम कर ली हूँ, गरम करने के बाद तेल को स्लो कर देना, बिल्कुल स्लो। अगर गरम तेल में आप डालेंगे तो पूरा ऊपर से पूरा पकने लगेगा, जल जाएगा समोसा अंदर से कच्चा, और उसका अच्छा से पापड़ी टाइप का टूटने लगता है। इसलिए हमेशा समोसा को या वैसे तलने वाला मैदा का चीज़ को स्लो फ्लेम में ही, आप अगर आटा का बना रहे तो चल सकता है, अगर मैदा का कोई भी चीज़ यूज़ करें फ्लेम को एकदम आपको स्लो कर देना। गर्म करने के बाद मैंने एकदम फ्लेम को स्लो कर दिया था, उसकी वजह से अच्छा सा मैं फ्राई करूँ। सभी एक साथ मैं डाल दी हूँ ताकि अच्छा सा ये फ्राई हो, थोड़ा सा टेम्परेचर में बढ़ाई हूँ क्योंकि ये सारे समोसा डालने के बाद थोड़ा सा तेल ठंडा हो गया, तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हुए देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे भून लूँगी। अच्छा सा फ्राई कर लेंगे डीप फ्राई, सभी अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब मैं एक एक को निकाल दूँगी, देखिए कोई भी एक भी नहीं फटा है तेल में जाने के बाद। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, एकदम बिल्कुल खस्ता समोसा बन के रेडी। सबको मैं निकाल दे रही हूँ। अब मैं देखिए इसे सर्व कर ले रही हूँ, अब देख सकते एक भी समोसा नहीं फटा, कितना खस्ता और करारा ये नाश्ता बना है। आप इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग में, कभी भी अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो पहले से अगर तैयार करके रखेंगे तो तुरंत आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। अब इसके चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर आपको जो जो पसंद हो दही के साथ, सबके साथ आप इसे सर्व कर। देखिए मैं सर्व कर ली हूँ, अब इसे मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना खस्ता है। देखिए आप देख सकते हैं मसाला भी सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता है। मार्केट से भी बढ़िया समोसा घर में बन के रेडी है। अब इसे मैं थोड़ा सा तोड़ के इसमें मैं दही और चटनी डाल के इसे सर्व करने वाली हूँ। आप इस ढंग से भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं समोसा को तोड़ ली हूँ, ऊपर से मैं खट्टा मीठा थोड़ा सा दही डालूँगी, थोड़ा सा चटनी डाल रही हूँ। सिंपल तरीके से आप सेव प्याज जो आपको पसंद हो ऊपर से डाल के आप खा सकते हैं, पर मैं ऐसे सिंपल सा सर्व की हूँ क्योंकि ऐसे ही खाना था सबको, तो मैं ऐसे ही सर्व की हूँ। कुछ सूखा चाय के साथ खा रही हूँ, कुछ ऐसे ही बना के खाने वाले हैं। देखिए सिंपल और टेस्टी घर का बना हुआ समोसा, समोसा चट बन के रेडी है। रेसिपी को इसी मेज़रमेंट से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी। आगे मैं और कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे मैं और कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से मिलती हूँ।